सोसाइटी में बड़ा नाम चाहिए तो पढ़ना होगा, लाइफ में सेटल होना है तो पढ़ना होगा, एक अच्छा करियर चाहिए तो पढ़ना होगा, बिना पढ़े यू कांट अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ। रियली समटाइम्स आई फील टायर्ड, एग्जॉस्टेड, आई फील लाइक आई एम स्टक इन सम काइंड ऑफ अ लूप, रिपीटेडली क्रिएटिंग एंड सॉल्विंग माई ओन प्रॉब्लम्स। अरे वो देखो, वो डॉक्टर है, वो इंजीनियर है, वो टीचर है, वो आईएएस है, वो आईपीएस है। एवेंचुअली सोसाइटी इज डिसाइडिंग कि हम हैं कौन, हमारी आइडेंटिटी क्या है, बट असलियत में लिटरली हु आर वी, हु एम आई। हैव यू एवर वंडर्ड, यदि एक दिन के लिए यू जस्ट चेंज योर अवतार फिजिकली या बॉडी ऑफ अ डिफरेंट पर्सन, व्हाट वुड बी दैट थिंग जो तुम्हें तुम बनाएगी, तो हु एम आई? वेल, फिलहाल के लिए आई एम जस्ट मी, क्योंकि जिस दिन खुद को पहचान लिया शायद लाइफ का मकसद ही पूरा हो जाएगा। समथिंग इज ऑफ, मतलब लास्ट सेमेस्टर और इस सेमेस्टर में बहुत अंतर है यार। इस सेमेस्टर में वाइब ही नहीं आ रही है, बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, चाह कर भी कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। मेरे बालों को छोड़ के मेरा सब कुछ सेट चल रहा है, बट फिर भी वाइब नहीं आ रही है। क्या मतलब कि तूने वाइब के लिए कॉलेज चूज किया था? कॉलेज तू पढ़ने लिखने आया है कि वाइब मैच करने आया है? हाँ मानो तू वही बोल रहा है कि मैं कॉलेज पढ़ने आया हूँ, बट कॉलेज लाइफ में वाइब नहीं आ रही है। साडी गले आ जा सानू जानवानी है। भाई इतना घुमा फिरा के क्या बोल रहा है? सीधे बोलना कि तेरे मिड सेम आ रहे अगले हफ्ते से। हाँ बिल्कुल सही समझा आपने, एग्जाम। एक तो किस्मत से ऐसे दोस्त बने हैं जिन्हें रूम से बाहर निकलने में नानी याद आती है। एक ये है उनमें। So before we proceed to the video, let me give you my life update. So as you know, freshers आ चुके हैं, so we had our first college event, cult night, and personally, हाँ, यहाँ तो vibe ही vibe थी। साडे गले आ जा सानू जान वालिए, साडे गले आ जा सानू। So बिना किसी information या practice किया, I somehow performed, and फिर क्या था? बस dance, dance, dance. Then we had a teacher's day. Literally, it was the best experience. Our department council, including me, just rocked the event. Obviously, our teachers too. अरे भाई क्या क्या कर रहा था भाई? मेरे ऊपर टारगेट कुछ नहीं भाई, बैठा हूँ यार। और भाई मिड सेम की क्या तैयारी चल रही है तेरी? अभी शुरुआत की है अपन ने। आना बैठना, थोड़ा पढ़ लेते हैं। ऐसा नहीं लगता कभी कि इंजीनियरिंग ने की गलती कर दी। वैसे लगना नहीं चाहिए, अगर आप कुछ कर रहे हो ना तो एक बार करना है तो करना है, मतलब फिर उसके बाद अफसोस नहीं होना चाहिए। जो करना है उसमें मन लगा के करो अच्छे से। बिल्कुल भाई, सही है, रूम भी सही है। बता प्लीज। क्या हो रहा है भाई लोग इधर? नहीं भाई, तो मैं रैंडमली रेड मार रहा हूँ सबके रूम पे। तो भाई मिड सेम के पहले मैं रेड मार रहा हूँ। क्या चल रहा है भाई? पेपर आ रहे हैं, तू क्या कर रहा है ये? भाई इधर इधर, कितने सीजी है तेरे? सीजी कितने? सीजी कितने तेरे? ऐसी बता। ये क्या चीज है भाई? ये होते हैं भाई टॉपिक, रूम किसका है? चल भाई, तो कुछ इसको कहा घुमा रहा है, अपने टीम में रख ले इसको भी। भाई मिड सेम के लिए कोई टिप देना चाहता है? इंजीनियरिंग रहे, सावधान रहे, पढ़ाई करें। चलो आ जाओ। क्या कर रहा था भाई? जनरल कंप्लीट कर रहा हूं, कुछ नहीं। और भाई मिड सेम का क्या हाल है? लगे पड़े, अभी तो सिलेबस तो हुआ नहीं, देखते हैं कैसा होगा। भाई इंजीनियरिंग नहीं करते तो क्या करते? और भाई कन्ना क्या कर रहा है अकेले? हाँ भाई बैठो, बस ये पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है। पहला पेपर कौन सा है? पहला पेपर यार संस्कृत। आजा भाई, तू भी अंदर आजा। अरे संस्कृत है भाई, सोचा था स्कूल वाला लेवल का होगा। मतलब भाई तू इंजीनियरिंग, कोई सोच सकता है कि इंजीनियरिंग में भी संस्कृत पढ़ना पड़ेगा? वही भाई, कभी नहीं सोचा था भाई। तुम खोल के देखो, कुछ गलत चीज तो नहीं मिल जाएगी? नहीं नहीं नहीं, कुछ गलत नहीं मिलेगा, श्योर। ओ जूते हैं नीचे। क्या कर रहा था भाई? कुछ नहीं, आ जाओ देख लो भाई, देख। भाई मिड सेम की तैयारी कैसी चल रही है भाई? मिड सेम आ रहे हो तो क्या कर रहा है? आप करते हैं ना। अरे भाई सब क्या नोट्स है?
अरे कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं भाई, भाई मिड सेम की तैयारी कैसे चल रही है भाई? मैं नहीं बता पाऊंगा भाई, आयुष से पूछो, आयुष से, बाबा जी से। अच्छा ठीक है, गेट खुला है भाई। तनिष क्या कर रहा भाई? पहला बंदा मिला भाई जो मिड सेम की तैयारी कर रहा है। क्या पढ़ रहा है भाई तू? कल तो इवोल्यूशन है भाई, इवोल्यूशन की तैयारी कर। तू फट नहीं रही क्या? फट तो रही है भाई। फट तो मेरी भी रही है, पर डर के कुछ तो होगा नहीं यार। क्या कर रहे गाइस? आई डोंट नो, पर लाइफ का वो स्टेज चल रहा है जिसमें लाइफ हर जगह से मार रही है और ये पता होते हुए भी हंसी आ रही है कि भाई लाइफ चल क्या रही है। सो स्पॉइलर साइड, आई एम वर्किंग ऑन ए न्यू शॉर्ट फिल्म, तो तब तक के लिए बाय बाय।